कि नम्रता जो है वो कमजोरी नहीं है सो वी आर कंसीडरिंग द थर्ड बी एटीट्यूड ब्लेस्ड आर द मीक फॉर देयर शैल इनहेरिट दिय और इसलिए हम ये तीसरे उपदेश को देख रहे हैं जो कहता है कि धन्य वे नम्र लोग हैं जो इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे और पिछले मनन से हम इसको आगे जारी रखेंगे वी आर स्टिल इन इन मीकनेस और हम नम्रता को देख रहे हैं वीकनेस इज रिसेप्शन ऑफ इंजुरी और नम्रता ये भी है कि हमें जब चोट पहुंचता है तो हम इस बात को बदला न लेते हुए इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए बदला लेगा Amen. Amen. The meek पर्सन सरेंडर्स एवरी थिंग टू द लॉर्ड नम्र व्यक्ति जो है हर एक बातों को परमेश्वर को सौंप देता है एंड एवरी थिंग टू हिम फॉर हिस्स कंट्रोल और हर एक बातों को हम सौंप देते हैं कि परमेश्वर उस पर नियंत्रण ले रोमन चैप्टर ट्वेल्व रोमियो उसका बारवा अध्याय नाइनटीन से उन्नीस पद में लिखा है टू नोट टेक रिवेंच माई फ्रेंड्स बट लीव रूम फॉर गॉड्स रॉथ फॉर इट इज रिटर्न इट इज माइंड टू अवेंज आई विल रिपे सेज द लॉर्ड हे प्रियो बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा मीक पर्सन बन जस्टिस पेशनली एक नम्र व्यक्ति जो है जितना भी अन्याय उसके ऊपर हो जाए वो उसको बर्दाश्त करता है एंड विथआउट बिटरनेस और बिना कोई कड़वाहट के इफ यू रीड टाइटस चैप्टर थ्री वर्सेस वन टू सेवन और तितुस उसका तीसरा अध्याय एक से सात पद तक अगर आप पढ़ेंगे इन दट पास इज समथिंग अबाउट दिस उस भाग में इसके विषय में कुछ लिखा है सो आई यू टू रीड बिफोर यू स्लीप टुनाइट और इसलिए मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि आज के दिन सोने से पहले आप इसको पढ़ लें व्हाट इज मीकनेस नम्रता क्या है इट इज दैट टेंपर ऑफ द स्पिरिट इन व्हिच वी एक्सेप्ट ज डीलिंग्स विथ आस आत्मा का जो स्तर है हमारे जीवन में कि हम उन बातों को बर्दाश्त करते हैं एंड वी एक्सेप्ट कम्स फ्रॉम गाड एज गुड एंड देयर फॉर विथआउट डिस्प्यूट और इसलिए जो कुछ भी प्रभु की ओर से हमारे जीवन में होता है हम उसे ग्रहण करते हैं और बिना किसी बहस के डिस्प्यूटिंग और बिना बहस करते हुए या उसका विरोध करते हुए They don't need to appear winning all the time. और जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे दिखे कि हम ही जीत रहे हैं you know, some people have that.

वे गलत काम भी करेंगे ताकि वो जीतने पाए दे कैन ब्रेक ऑल द रूल सारे नियमों को तोड़ेंगे एंड बट मेक पीपल लेकिन नम्र लोग जो हैं दे आर विलिंग टू वेट फॉर देअर रिवार्ड वे तैयार रहते हैं कि वो इंतजार करेंगे अपने वो प्रतिफल के लिए सो दे कैन बेयर इंजरी ताकि वो सारे चोट को सहेंगे दैट टू विधाउट रिसेमेंट और बिना कोई कड़वाहट के ब्लेसर इज द मैन हुज एवरी इंस्टिंग एंड एवरी इम्पल्स एंड एवरी पैशन अंडर कंट्रोल धन्य वो पुरुष है जो हरेक भावनाओं को हरेक बातों को हरेक अपने प्रतिक्रिया को नियंत्रण में रखता है ब्लेनेस इज द मैन एंटायरली अंडर सेल्फ कंट्रोल और धन्य वो मनुष्य है जो अपने स्वयं के ऊपर वो नियंत्रण रखता But है क्वेश्चन इज लेकिन सवाल यही है इज इट पॉसिबल क्या ये संभव है नो no. नहीं Then what is the तो व्हाट इज क्या है उत्तर यही है Blessed इज द मैन हु इज गॉड कंट्रोल धन्य वो मनुष्य है जो परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित है ट्रू humility, व्हाट इज इट सच्चा नम्रता वो क्या है इट इज necessity टू लर्न ये इस बात को मान लेना है कि आ, हमें बहुत कुछ सीखना है ओनली सच अर्सन कैन बी टीचबल एंड ओनली सच स्टूडेंट कैन बी टॉट और ऐसे ही व्यक्ति को सिखाया जा सकता है और वो सीखेगा क्षमा किए जाने का जो आवश्यकता है इस बात को मान लेना ब्लेस इज द मैन हु टू नो हिजोन इग्नोरेंस धन्य वो मनुष्य है जो इस बात को मान लेता है कि वो सब कुछ नहीं जानता है his own weakness. उसके खुद के कमजोरी को महसूस करता है And his own need. और अपने खुद के आवश्यकता को महसूस करता है मूसा के विषय में सोचे नंबर्स 12:3। गिनतियों का पुस्तक उसका बारह अध्याय तीन पद में लिखा है मोसिस वॉज अ वेरी हम्बुल मैन मोर हम्बल वन एल्स ऑन द फेस ऑफ द दर्थ मूसा जो था बहुत नम्र एक व्यक्ति था और दूसरे कोई भी मनुष्य जो पृथ्वी पर पाया जाता था उससे भी ज्यादा नम्र मोसस वॉज नॉट ए स्पाइन लेस मैन ऐसा नहीं कि मूसा जो था बहुत कमजोर व्यक्ति था और मिल्क एंड वाटर क्रीचर या फिर पानी और दूध का बना हुआ व्यक्ति था कु बी ब्लेजिंगली एंग्री ये संभव था कि वो क्रोध से भर जाए पर ऑलवेज रिमेम्बर लेकिन हमेशा याद रखें concerning him मनी there was no meek person like Moses उसके बारे में गवाही यही था कि मूसा जैसा नम्र व्यक्ति और कोई नहीं था मीकनेस प्रोड्यूस पीस नम्रता से शांति उत्पन्न होता है एंड व्हाट व्हाट इज दैट मीन और इसका अर्थ क्या है इट इज प्रूफ ऑफ अ ट्रू ग्रेटनेस ये साबित किया जाता है एक सच्चे महानता का दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर यह बहुत जरूरी है कि हम समझ पाए एंड इट टेक्स ग्रेटनेस फॉर अ पर्सन

जो इतना महान है कि छोटे छोटे बातों से वो हिलता नहीं है एंड देश आल इनहेरिट दी अर्थ और वे लोग इस पृथ्वी पर अधिकार करेंगे जीसस डिड नॉट मीन टू से द दीक शुड ओन ग्रेट प्रॉपर्टी यीशु मसीह का मतलब यह नहीं था कि नम्र लोग बहुत बड़े संपत्ति को uh, रखेंगे एंड दे शुड ऑलवेज बी सक्सेसफुल Success, और हमेशा वो जीवन में सफल होंगे और हैव मेनी लैंड या फिर बहुत भूमि उनके नाम पर होगा जीसस नेवर ने दैट यीशु ने इस बात को कभी नहीं सिखाया बट सच ए मीक पर्सन possesses पेक्यूलियर blessings ऑफ द किंगडम लेकिन ऐसे नम्र व्यक्ति जो है वो ऐसे अनोखे आशीषों को हासिल करता है जो परमेश्वर का राज्य का है इट इज ऑल्सो सीन इन कॉमन लाइफ इसको हम आम जीवन में भी देखते हैं meek, man who is mild is the most एक धीरजमंद और एक नम्र व्यक्ति जो है वो ही एक ऐसा मनुष्य होता है जो uh, बहुत uh, सफलता प्राप्त करता है An impatient and quarrelsome man, और ऐसे मनुष्य जो झगड़ा करता है और धीरज नहीं होता है सच ए पर्सन रेस एनिमीज ऐसे व्यक्ति के पास बहुत शत्रु होते हैं ऑफ एंड लूज एस प्रॉपर्टी अक्सर ये... अपने धन संपत्ति को खोता है बिकॉज there is always litigation and in lawsuits he, he loses. hamesha and in order to gain a few feet of land, he spends all his time in disputes. और जमीन के एक छोटे टुकड़े को पाने के लिए हमेशा वो कचहरी में लड़ता है hand, दूसरे हाथ इट इज हु अल्टीमेटली पोसेस द लैंड ये नम्र लोग हैं जो अंत में उस भूमि को पाते हैं धन्य वे है जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी पर अधिकारी बनेंगे दे रूलर्स अंत में वे ही लोग राज्य करेंगे दे शाल है एवरी थिंग अंडर दे अंत में उन्हीं के पास सब कुछ अधिकार में होगा सो लेट एस लर्न टू बी मीक एंड दिस इज अ वर्च दैट कम्स फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ सो हम सीखे नम्र और दीन बनने के लिए और ये एक ऐसी बात है जो सिर्फ परमेश्वर ही हमें दे सकते ऐसे व्यक्ति को किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है ही इज बोल्ड वो हिम्मत से भरा रहता है बट ही डेन ही इज नॉट प्राउड लेकिन वो घमंडी नहीं होता है ही knows हाउ टू गेन रेस्पेक्ट वो जानता है की कैसे आदर को प्राप्त करना है जबकि आप इन सिद्धांतों को सीखते हैं धन्य वे है जो आत्मा में निर्धन है क्योंकि उन्हीं का परमेश्वर का राज्य है प्लेड आर दो धन्य वे लोग हैं जो शोक मनाते हैं वे ही लोग हैं जो शांति पाएंगे और धन्य वे लोग हैं जो नम्र हैं। वो ही पृथ्वी के अधिकारी वे होंगे वे ही शासक बनेंगे लॉर्ड सो परमेश्वर आपको आशीष दे और हर एक सुनने वाले के ऊपर आशीष दे इट इज नॉट दस एंड क्वारलसम कि वो घमंडी और झगड़ा करने वाले लोग नहीं हैं जो सब कुछ पाएंगे परमेश्वर के आशीषे आपके ऊपर होने पाए। स्वर्ग पिता हमने सीखा है कि सच्चा नम्रता क्या है Let that spirit of meekness get hold of वो us. वो नम्रता का आत्मा हमने से हर के ऊपर होने पाए. That we will easily surrender everything we are and everything we have to the control of the Lord Jesus Christ. कि हम सब कुछ जो कुछ भी हम हैं जो कुछ भी हमारे पास है पूर्ण रीति से परमेश्वर के नियंत्रण में आधीन करेंगे. My habit, मेरे आदतें माय एटीट्यूड मेरा स्वभाव माय बिहेवियर मेरा आचरण माय डिजायर्स मेरे इच्छाएं ऑल मस्ट कम फ्रॉम यू वो सब आपकी ओर से आना है थैंक यू धन्यवाद फॉर योर grace, आपके अनुग्रह के लिए स्पेट पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए In Jesus name. ये यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं दिस इज अ ग्रेट डे माई फ्रेंड ये एक महान दिन है